सारण जिले के ईसुआपुर थाना अंतर्गत ब्रह्म स्थान के समीप से वार्ड सदस्य का शव बरामद किया गया। अब यह जांच का विषय है कि उनकी हत्या हुई है या सड़क दुर्घटना में मौत। फिलहाल पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मृतक जिले के ईसुआपुर थाना क्षेत्र के अगौथर सुंदर निवासी स्वर्गीय शिव प्रसन्न पांडे के 54 वर्षीय पुत्र मनोकामना पांडे बताए गए हैं, जो कि वार्ड सदस्य थे। परिवार वालों के आरोप के बाद ईसुआपुर थाना पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह जानकारी हो सकेगा कि उनकी हत्या की गई है या सड़क दुर्घटना में मौत है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। दुर्घटना हुआ है जे कल शाम को ये अपना निकले घर से और वो गाय का थोड़ा दाना पिसाना था, चक्की मिल में दिए और चक्की मिल में दे करके बच्चे को बोले जे 6:30 में कि ये करना बेटा तुम चक्की से लेके आ जाना। आ ये वहाँ से निकले तो कहीं गए, इसकी सूचना परिवार वाले को नहीं मिला और वो रेत लेट मैंने रात तक लोग इंतजार किया, आए नहीं तो भाई उसी सूझबूझ में लोग रहा जे कहीं गए। उनका मोबाइल भी बंद बता रहा था। सुबह में अर्निंग द मॉर्निंग 6:30 में पता चला कि इनका लाश बिगा हुआ है गांव के दक्षिण में, जो मरहौरा से हमारे गांव के लिए रोड आता है मसरक के तरफ जाने के लिए, उस रोड के बगल में इनका लाश पड़ा हुआ था और वहाँ इनकी मोटरसाइकिल भी थी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मोटरसाइकिल का लेगआउट में भी मट्टी नहीं लगा है, मोटरसाइकिल का सामने का जो शीशा है वो भी हेडलाइट भी नहीं फूटा है, केवल मीटर फूटा हुआ है। क्या लग रहा है? और जो कह रहा है जो एक्सीडेंट है, लेकिन हम लोगों को लग रहा है जो इसका मर्डर भी है, क्योंकि आदमी सोया हुआ है, गाड़ी वहीं पर गिरा हुआ है, यही है। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है मनोकामना पांडे, 52 वर्ष का है अभी। ये घर कहाँ है उनका? अगौथर सुंदर है ग्राम, अगौथर सुंदर पंचायत भी है उसके। वार्ड नंबर थाना ईसुआपुर है, वार्ड नंबर 13 में ये वार्ड के मेंबर थे जीते हुए। आप कौन हुए उनके? हम उनके पड़ोस के हैं, हरेंद्र प्रसाद ओझा हमारा नाम है। हाँ, और सारे लोग हमारे गांव के आए हुए हैं, उनके बच्चे आए हैं, उनको एक लड़का है छोटा सा 10-12 साल का, एक बच्ची थी अभी शादी किया है। वो परिवार बहुत आहत है, मिसेज का भी उम्र यही 40 के लगभग होगा,